नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने ना अचार वाली मोटी मिर्चें ले रखी थी, लाल वाली। इनको गोल गोल काट लिया है। आप लंबा भी बना सकते हैं और भर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको काट के बनाऊंगी। जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं अचार डालूंगी। हमारे घरों में ना जो केक और बिस्किट्स वगैरह इसमें रख के आते हैं, ये वो बॉक्सेस हैं, तो मैं इनको ना उठा के रख लेती हूँ। बहुत ही अच्छा DIY बनेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। और यहाँ पे मैंने ना वाइट सीमेंट लिया है, थोड़ा सा फेविकोल ले लूँगी और पानी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। हमें इस तरीके से पेस्ट बनाना है इसका, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अच्छी तरीके से ना मैंने इसको मिक्स कर लिया, और जो ये बिस्किट्स का मोल्ड है इसमें इसको ना सबको मैं अच्छी तरीके से पेस्ट को डाल दूंगी। इसको हमें ना अच्छे से स्प्रेड करना है। अगर ये ठीक से हम पूरे में नहीं फैलेगा ना तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बेस बना दिया। आप ना कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको कलर पसंद हो। मैंने यहाँ पे ना लाल एक्रेलिक कलर ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा रानी कलर भी ऐड कर दिया है। आप इसमें जितने भी कलर आपका मन है, जो आपको पसंद है, वो ऐड कर लो। और एक स्टिक की हेल्प से इसके बीच में ये पैटर्न बना रही हूँ मैं। आप इसको कहीं से भी कुछ भी बनाओगे ना, ज़रूर कोई ना कोई पैटर्न बन के निकल जाता है। तो ऐसे ही मैं रैंडम बस स्टिक चला रही हूँ और देखो अपने आप ही कोई ना कोई पैटर्न इसमें बन के आ रहा है। बस थोड़ा सा इसका बेस अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने ली है अगरबत्ती की, जो नीचे की स्टिक्स होती हैं, जो यूज़ हो जाती हैं ना, जो जला देते हैं उसके बाद जो बच जाती हैं, ये वो स्टिक्स हैं। मैंने 4 स्टिक्स ले रखी हैं और मैं इक्वल उसमें पार्ट में इसको लगा दूंगी, चारों को लंबाई में लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको 2 आपस में पास पास भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा दूरी पे लगाया है और बस इसको मैं सूखने के लिए ऐसे ही रख दूंगी। उसी वाली बाउल में ना मैंने थोड़ा सा वाइट सीमेंट और घोल लिया है और यहाँ पे मैंने रानी कलर इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सारा कलर पूरे में स्प्रेड हो जाए। और ये दूसरा वाला जो मेरे पास ना मोल्ड रखा हुआ था उसमें मैं इसको डाल दूँगी। सबको, पूरे पेस्ट को मैं इसमें अच्छी तरीके से फैला दूँगी। और इसको भी उसी तरीके से जो हमने सेम प्रोसीजर पहले वाले में कराया है उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। मेरे पास ना दिवाली के कुछ पुराने दिए रखे हुए थे, वो मैंने इसमें लगा दिए हैं इस तरीके से, और एक छोटी सी बॉटल थी उसको भी मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। और बस मैं इसको ओवरनाइट सूखने के लिए रख दूंगी। और ये ना मैं देख लेती हूँ कि ये सूख गया है या नहीं सूखा। और ये देखो अच्छी तरीके से सूख गया है। गर्मियों में तो ऐसे वाले जो DIYs हम बनाते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है क्योंकि गर्मी होती है। सर्दियों में थोड़ी सी सूखने में प्रॉब्लम होती है। और ये वाला जो मोल्ड है ना, मुझे ना फाड़ना पड़ा क्योंकि ये चिपक गया था। और जो ये मैंने स्टिक्स लगा रखी थी, इनको बस मैं निकाल लूँगी। मैं ना DIY करती हूँ ना, तो मेरे पास काफ़ी सारे मोती हैं और ये गोल्डन स्टोन मिरर वगैरह इकट्ठे हो गए, तो मैं इन्हीं को ना इस पर लगा दूँगी। देखती हूँ कौन सा वाला इस पर अच्छा लगेगा। पता है जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, तो अपने आप ही दिमाग में साथ साथ आइडियाज़ आते रहते हैं। तो बस आप बनाते जाइए और आइडियाज़ तो खुद ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से, ये अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें मैंने रेड एक्रेलिक कलर ले लिया है और साइड में 2 लीफ बना रही हूँ। इससे क्या होगा, एक अच्छा सा गेटअप आ जाएगा। दिए वाला जो DIY है इसमें भी मैंने लाल रंग ही यूज़ करा। मैंने इसलिए इसको लिया लाल रंग को क्योंकि मेरे को दोनों को सेम जगह रखना था और कुछ ऐसा लुक दिखाना था कि दोनों एक जैसे लगे, तो इसी वजह से मेरे को लाल रंग यूज़ करना पड़ा इसमें। और यहाँ पे मैं ना 4 पत्ती वाला फूल बना रही हूँ। पहले सोचा था खाली इसको शीशों से ही सजा दूंगी, मिरर से सजा दूंगी, लेकिन फिर सोचा इसमें कुछ रेड कलर भी ऐड करना चाहिए, तो बस इसी तरीके से मैं सारे में फ्लावर बनाऊंगी। ये के ऊपर वाले पोर्शन पे ना मैंने लाल रंग कर दिया है, इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। और दूसरे वाले दिए को भी मैं लाल कर दूंगी।
का काम तो सारा खत्म हो गया है। मैं इसमें ना गोल्डन स्टोन लगा रही हूँ। पहले सोचा था कि इसमें मिरर लगा दूँ बीच में फ्लावर के, लेकिन स्टोन लगाए हैं मैंने। और यहाँ पे मेरे पास ना पत्ती जैसे, पत्ती की शेप में, जैसे पत्ती होती है उस शेप में मिरर रखे हुए थे, वही मिरर मैं बीच बीच में लगा रही हूँ। जस्ट जैसे भी कहीं भी आप मिरर लगा दो, मिरर तो वैसे भी इतने सुंदर लगते हैं ना, किसी भी चीज़ पे अगर लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक लुक आ जाता है। और इसमें भी मैं ना लीफ बना रही हूँ साइड साइड में, तो सब में मैं इसी तरीके से लीफ बना दूंगी। अगरबत्ती स्टैंड और दिया स्टैंड तो बन के हो गया है तैयार, और इसमें बस थोड़ा सा गोल्डन कलर रह गया है, वो मैं कर लूँगी। जो मैंने ना बॉटल कट करके लगाई हुई है, इसमें मैंने एक छोटा सा पौधा भी लगा दिया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पौधा। और इस दियो में मैंने ना बत्ती भी रख दी है, अगरबत्तियों को मैं जला रही हूँ। आप लोगों को पूरा जला के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। मंदिर में तो हम इन स्टैंड्स को रखेंगे ही रखेंगे, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल पे भी आप इसको डेकोरेशन के लिए रख सकते हो। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये, बहुत ही प्यारा बनाया है ये DIY। और इस तरीके से सारी अगरबत्तियों को मैंने इसमें लगा दिया है, और दियो को भी मैं अब जला दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।